फ्रेंड्स, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग, बहुत बड़ा व्लॉग नहीं है। तो आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इनिशिएटिव के अंदर थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन देने जा रहे हैं, SGT यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और हम वहाँ पे करने वाले हैं हेयरिंग स्क्रीनिंग एंड स्पीशल लैंग्वेज स्क्रीनिंग करने वाले हैं स्पेशल बच्चों की, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की, जो कि स्पेशल ओलंपिक्स का पार्ट है। देखते हैं आज किस तरीके से हम कितना रिकॉर्ड कर पाते हैं। पहले यूनिवर्सिटी जाना है एंड यूनिवर्सिटी जाने के बाद हमें बस से जाना है, और ये होने वाला है इस बार DAV स्कूल गुड़गांव के अंदर, सेक्टर 10 में जो है। और वहाँ पे और भी बहुत सारी स्क्रीनिंग है, खाली स्पीच एंड हेयरिंग स्क्रीनिंग नहीं है, डेंटल है, साइकोलॉजी है एंड पीडियाट्रिशियन है, आई है, बहुत सारी OPD की स्क्रीनिंग होने वाली है। तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, देखते हैं कि आज क्या क्या होता है और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। SGT यूनिवर्सिटी से हम उनकी बसेस में आ गए थे और आ गए हैं DAV स्कूल गुड़गांव, जहाँ पे आज की स्क्रीनिंग होनी है और वहीं के बच्चों की होनी है। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, यहाँ पे सारे OPDs लगे हुए हैं एंड उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि पहले आप 30 स्नैक्स ले लीजिए। बहुत ही अच्छे से उन्होंने सर्व किया था, उसके बाद स्क्रीनिंग स्टार्ट। हेलो, 30 स्नैक्स के बाद अब जाते हैं, जाके देखते हैं पूरा सेटअप कैसा है, कहाँ क्या हो पाएगा। और यहाँ मुझे नहीं लग रहा है कि हियरिंग स्क्रीनिंग हो सकती है। क्यूट लग रहा है बच्चा। स्टार्ट करते हैं ओई हियरिंग स्क्रीनिंग के साथ जल्दी से। हेलो, हेलो, मैं कौन हूँ? परी, यहाँ पर परी। देखो, परीक्षा हूँ ये। अच्छा, मैं कौन हूँ? ये मम्मी। आप कौन हो? पो। अच्छा, और आपके सिस्टर का क्या नेम है? एजे। अच्छा, वानी का है? ये तो बेटा, नहीं नहीं वो उनका, आपका नहीं। अच्छा, इसे कान चेक किए ना परी के, अभी भैया ने वो रिपोर्ट देख रही है। पापा कहाँ है? पापा कहाँ गए? कहाँ, किसमें बैठ के गए? अच्छा बड़ी, एक बारी मुझे हाई हाई फाई दे। अच्छा, दो हाई फाई दो। हाई फाई। अच्छा, ए फोर बी फोर ये। अच्छा नहीं, आप पहले बताओ बी फोर। परी परी बेटा, ये भी लगाया तो था आपके कान के अंदर हमने। लगाया था ना। हेलो। अच्छा, उसको लग रहा है फोन है। हेलो परी। अच्छा, ABCD बोलोगी? अच्छा पापा को, पापा को फोन से ना ABCD सुना दो। अच्छा बोलो। हाँ, पापा से बात करो। हाँ। ये इससे भी पापा से बात करो। हेलो, ऐसे बोलो पापा हेलो। हाँ पापा बोलेंगे। बोला आ जा, आ जा। भैया को पता ही नहीं है ना, भैया को बता दो। हाँ बता दो उनको। अभी ना हम क्या करेंगे, अभी जब हम हेयरिंग टेस्ट करेंगे ना, देखो सुनो सुनो तो सही, जब हम हेयरिंग टेस्ट करेंगे ना तब हमें मुंह से नहीं बताना कि आवाज आ रही है या नहीं, है ना। हम जैसे मुंह से बताएंगे वो टेस्ट रॉन्ग हो जाएगा फिर। ओके, नहीं बता, गले से भी नहीं बताना भाई साहब। चलो आप सब चुप होएंगे, है ना, एक साथ सब चुप। सी, इजी था ना। अब वैसे सेम हम उस ईयर में भी करेंगे। ओके, नो 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 बैकग्राउंड म्यूजिक। अरे वाह, सी कंप्लीट डन। देखो कितनी जल्दी हो गई। और वो पास भी आया आपके लिए, थैंक यू तो बोलो भैया को। थैंक यू, यू कम फर्स्ट। ये हाय हाय। नहीं पहले आपका क्यों नहीं करना है? करा रही ना, आपको भी कराना है, बैठो। हाँ तो आपका पहले क्यों नहीं? जाओ अच्छा बैठो, बैठो तो सही, बैठो मत करो, मत करो,
देखो निदान से देखो कितने अपने उससे कर रही है, देखो खुद से कर रही है, ये प्रोब साइज बड़ा है इसका, आप भी बैठ जाओ। अच्छा आप बैठ जाओ, ब्लू वाला ठीक है, आप बैठो क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हो जाओ मम्मा सर। अच्छा अब बोलना नहीं है आपको, देखो इसको अच्छा लग रहा है, लोग आके दिखाओ जल्दी से, लगाओ लगाओ लगाओ, वेरी लगाओ, वेरी गुड, ओके तो स्मार्ट वन के लगा रहे, कान के तो लगा भी नहीं रहा, जल्दी से, वेरी गुड, लगा के रखेंगे, दिखाओ दिखाओ, मैं बताती हूँ आपको कैसे लगाना है, मैं सिखाऊं, शैतानी नहीं करते, ये गुड बॉय नहीं, बस इंजेक्शन लगा देंगे ना, बदमाशी करेगा तो कर लो, म्यूजिक सुन के बताओ कौन सा देखो हेडफोन तो है, ये गाना सुनो, खाना नहीं है ये। बस लास्ट है, चलो लास्ट ठीक है, 20 काउंट तक करना है, 1 2 3। इस कान में क्या प्रॉब्लम है, इस कान में हाँ अच्छा हाँ मैम आपको दे देगी ये भी, अच्छा ठीक है चलो चलो करने दो लास्ट है। सभी बच्चे बहुत ही प्यारे थे, बहुत अच्छे थे, और स्क्रीनिंग अभी आज की ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम आ गए हैं ऑडी में, अब यहाँ पे हमारा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा आएगा सबसे पहले, उसके बाद हम लोग जाएंगे लंच के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉलंटियर्स भी हैं, और स्टेज पे देखिए बच्चे कितने अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, अगर इन बच्चों की अच्छी से ट्रेनिंग होती है तो बहुत अच्छा करते हैं ये स्पोर्ट्स के अंदर भी। एक हमारा तरीका है, आपको थैंक यू बोलेगा और आपको आपको नेक्स्ट टाइम भी बुला देगा, ठीक है। सो ये इसी आशा के साथ कि अभी आए हैं तो दोबारा जरूर आना, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे नेशनल डायरेक्टर गुप्ता नारायण सिंह रमन नेगी एंड क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर पूजा
सभी हमारे वॉलंटियर्स को। मैम आ जाइए प्लीज, मैम मैम ओके करण मीन सबसे पहले थैंक यू क्लैपिंग फॉर थैंक यू। मीनाक्षी अंशुमन जाओ सो फ्रेंड्स मैं घर आ गई हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं एंड आपने आज देखा कि हमने कैसे बहुत सारे बच्चों को स्क्रीन किया। और ना मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, हम हमेशा कमियां निकालते रहते हैं अपने आसपास, अपनी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती, बट आज आपने देखा होगा एक इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट की तरफ से प्योरली लिया गया है। हम लोगों को भी दे वर सो स्वीट, दे गिफ्टेड अस टी शर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स मिला हमें एंड बहुत ही अच्छा डीएवी ने सारा अरेंजमेंट किया हुआ था सभी वॉलंटियर्स के लिए। बहुत अच्छे से उन्होंने टी स्नैक रखा था, लंच रखा था बहुत अच्छे तरीके से। एंड सिर्फ ये खाने पीने की बात नहीं होती, फैसिलिटीज़ लाइक अगर हमने कहा कि जो हॉल के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे तो हियरिंग स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगी, तो बहुत नॉइज़ है, टेस्ट स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने फटाफट से हमें पहले एक रूम दिया जो कि मुझे वहाँ पे अगेन थोड़ा सा ऑडी का साउंड आ रहा था, तो मैंने कहा कि सॉरी बट यहाँ पे भी शायद नहीं हो पाएगा। तो दे वर सो स्वीट, उन्होंने फटाफट अपना मेडिकल रूम खाली करा दिया। उस दिन स्कूल वर्किंग था, माइंड इट, अगर स्कूल की छुट्टी होती है तो फिर थोड़ा आसान होता है चीज़ें अरेंज करना। स्कूल वर्किंग था, सारा स्टाफ अपना अपना काम कर रहा था एंड कोऑर्डिनेट कर रहा था इवेंट को भी, तो उन्होंने फटाफट से हमें फिर मेडिकल रूम प्रोवाइड करा दिया। यहाँ पे बहुत अच्छे से स्क्रीनिंग हो गई, मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने को मिला, पेरेंट्स काफ़ी नॉलेजेबल थे, अवेयर थे, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। एंड स्कूल के अंदर भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, तो आज जो हमने बच्चे स्क्रीन किए थे ना स्पेशल ओलंपिक्स के लिए, वो डीएवी के ही जो भी हमारे स्पेशल बच्चे थे उनको हमने स्क्रीन किया था फ्रॉम द एज ऑफ 2 to 7 ईयर्स। एंड आप लोगों ने शायद पैरा ओलंपिक्स के बारे में सुना होगा जहाँ पे कि दूसरी दूसरी डिसेबिलिटीज ली जाती हैं, जो स्पेशल ओलंपिक्स है वहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों को लिया जाता है, सिर्फ उन्हीं के लिए ओलंपिक्स होता है। एंड मुझे जान के मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट कल फिर जब मेरे को इंटरेक्ट करने का मौका मिला, बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से आए हुए थे लोग, कोऑर्डिनेटर्स थे, बहुत सीनियर लोग भी थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो ये स्पेशल ओलंपिक्स होता है इसके अंदर बच्चे बहुत सारे मेडल्स भी लेके आते हैं एंड वो ग्राउंड लेवल पे जाके रूट वर्क्स पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे जाके स्क्रीनिंग करते हैं, फिर उसके बाद जिस जिस जगह में मतलब जिस जिस एरिया में जिस बच्चे में प्रॉब्लम आती है फिर उसका रिहैबिलिटेशन के लिए वो ट्राई करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं एंड दैट वाज सो नाइस। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, वैसे तो ये काम हम लोगों का देखो रोज का है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनिशिएटिव लेती है, मुझे सच्ची में आइडिया नहीं था कि इस तरीके से वो अपनी तरफ से स्क्रीनिंग वगैरह भी कराते हैं, तो वो अरेंजमेंट कराना ही बहुत स्पेशल बात है, बहुत अच्छी बात है। सो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा ये छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप लोग भी सोसाइटी में जो भी अपने लेवल पे कर सकते हैं कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा सोसाइटी को देने की, ज़रूरी नहीं है वो हेल्प सिर्फ पैसों से हो, आपके स्किल से हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से हो सकती है। अपने आसपास देखिए, आपको कोई ना कोई सोर्स मिल ही जाएगा हेल्प करने के लिए और नीडी भी मिल ही जाएगा। विद दिस नोट मैं ये आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।